हमीरपुर जिला के अवादेवी संचेतना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक छात्र अमन ने सुंदरनगर में ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए गया हुआ था, जहां उसकी सिलेक्शन मलेशिया में हो गई और उसने प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने मां बाप व स्कूल का नाम भी रोशन किया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल एस के ठाकुर ने अमन को इस खुशी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने बताया कि अमन अपनी काबिलियत की वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाया है और हमारे स्कूल व अपने मां बाप का नाम रोशन किया है, यह बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही एस के ठाकुर ने अमन के माता पिता और कोच दिनेश को भी बधाई दी है, जिन्होंने अमन को इस मुकाम तक पहुँचाया है, और उन्होंने सभी माता पिता से अपील भी की है कि वह अपने बच्चों का साथ दें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। तो मैं अमन को बधाई देता हूं कि वो अपनी परफॉर्मेंस और काबिलियत की वजह से हमारे स्कूल का जिसने नाम रोशन किया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल तक गया हुआ है, और उसके पेरेंट्स को सहयोग के लिए बधाई देता हूँ, और उसके जो कोच हैं दिनेश जी, उनको भी मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और मैं जनरली ये कहूँगा कि आज के संदर्भ में जिस तरीके से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक सेल्फ डिफेंस के रूप में हमने इसको बच्चों को इंट्रोड्यूस किया था मार्शल आर्ट को, उसमें इतना नहीं था हमें भी ध्यान कि हम बच्चों को इतने आगे तक ले जाएंगे, लेकिन बच्चों की जिस तरीके से इस तरफ रुझान हुआ और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस शो करी और उनके टीचर्स ने उनको कोच किया, गाइड किया और पेरेंट्स का सहयोग रहा, उन्हीं का सभी का ये आशीर्वाद और मेहनत का नतीजा है कि बच्चा आज यहाँ तक जा पाया। इसके लिए मैं एक बार इसको फिर से बधाई देता हूँ और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे इस तरीके से आगे निकलते रहें, और पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वो इस तरीके से स्कूल का भी और अपना भी और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। मलेशिया में है जहाँ पे पूरे भारत के बच्चे और इंटरनेशनल लेवल के बच्चों के साथ उनको कम्पीट करना है, और वहां पे जाके ही ये बच्चे कम्पीट करेंगे। अमन ने बताया कि वो सुंदरनगर में चैंपियनशिप के लिए गया था और वहां उसने प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल हासिल किया। इस खुशी के अवसर पर अमन ने कोच व अपने गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं अमन संचेतना पब्लिक स्कूल में 6वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं टाइकोंडो कंपटीशन के लिए सुंदरनगर गया हुआ था, जहां मैंने गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी रही। इस कामयाबी के लिए मैं मलेशिया में इंटरनेशनल टाइकोंडो कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुआ। मैं इसका सारा श्रेय अपने गुरुजी श्री दिनेश कुमार जी को देना चाहूँगा। धन्यवाद। एसपी बोर्ड हिमाचल के वाइस प्रेसिडेंट टाई कमांडो दिनेश कुमार ने बताया कि आजकल बच्चों को सेल्फ कोर्स सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि लड़का लड़की दोनों के लिए ही यह सब चीजें सीखना कंपल्सरी है। उन्होंने बताया कि संचेतना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक छात्र अमन सुंदरनगर में ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए गया हुआ था, जिसमें उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं एक मार्शल आर्ट्स की जो क्लासेस ला रहा हूँ, जैसे बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस आजकल बहुत जरूरी है, उस हिसाब से लड़कियों को लड़कों को कंपलसरी है। जैसे हमारी अभी चैंपियनशिप हुई है ऑल इंडिया ओपन टाइकोंडो चैंपियनशिप सुंदरनगर में अभी हुई, उसके लिए हमारे एक बच्चा सिलेक्शन हुआ यहाँ से संचेतना पब्लिक स्कूल अवादी, उसका नाम अमन है अमन, तो उसके सिलेक्शन हमने मलेशिया के लिए किया है जो 7 और 8 बहुत अच्छा करियर है। यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ इनसे आगे बढ़ रही हैं वॉइस, तो जैसे अगर सिस्टम चलता रहेगा कंटिन्यू सरकार हमारे बारे में सोचेगी स्पोर्ट्स के बारे में, तो हम आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पेरेंट्स होते हैं कोई गरीब होता है तो जैसे बाहर मलेशिया के लिए जाना है तो वहाँ पर खर्चा होगा, तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए हमारी सहायता करे।